नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग के स्थापना दिवस पर रायपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। न्यू सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिरकत की है। और इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नशे के खिलाफ बाल संरक्षण आयोग की तरफ से तैयार की गई पुस्तिका का विमोचन भी किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने खेल समेत अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों में बढ़ रही नशे की लत को लेकर के चिंता जताई है। साथ ही सीएम मोबाइल की लत से भी बच्चों को दूर रखने की अपील करते हुए नजर आए। माता पिता से बच्चों के साथ समय बिताने की भी इस दौरान अपील की गई है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चों को व्यस्त कैसे रखें, खेले कूदे माँ बाप भी थोड़ा सा आलसी हो गए, थोड़ा बच्चों के साथ खेले तो घर में खेला जा सकता। खेल हर हर घर में क्रिकेट तो नहीं खेला जा सकता, लेकिन कंचक खेला जा सकता है, भौरा खेला जा सकता है और बहुत सारी चीजें उसे खेल सकते हैं। वो खेल भी बच्चों के साथ खेलना चाहिए। जब घर में भी खेल थोड़ा खेले, बाहर भी थोड़ा बच्चों खेलने भेजना चाहिए, तो उसका शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होगा। सही दिशा में बच्चों को मार्गदर्शन मिलना चाहिए, तब जाके हम अच्छे नागरिक बना पाएंगे। यही बच्चे हमारे भविष्य हैं। और बच्चों का ही यदि वर्तमान यदि नशे के आदि चाहे किसी प्रकार के, अब तो मोबाइल भी नशे में शामिल हो गया है, जो कार्टून खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, नशे में शामिल हो गया, इससे भी बचने के उपाय अब ढूंढने लगे हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आपने सुना। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। नशे के खिलाफ चुनौतियों को लेकर के इस दौरान उन्होंने चर्चा की। राज्य बाल संरक्षण आयोग का स्थापना दिवस और ऐसे में न्यू सर्किट हाउस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम में बाकायदा शामिल हुए। उन्होंने आने वाले समय के अंदर बच्चों के लिए जो नशे से बचाने के लिए चुनौतियां हैं उनके बारे में उन्होंने जिक्र किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कैसे हम बच्चों को नशे के इस चंगुल से बचा सकते हैं, इस बारे में लगातार विचार विमर्श कर मंथन भी किया गया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम के जरिए लोगों तक यह बात पहुंचाने की कोशिश की है कि हमारे देश की, हमारे प्रदेश की जो युवा पीढ़ी है, हम उसको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। और सबसे बड़ी चुनौती आने वाले समय में आप नशे से बच्चों को बचाने को लेकर के है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है नशे के प्रति आप ये देखा गया है, कई रिपोर्ट के हवाले से इस बारे में जानकारी भी मिलती है। तो ऐसे में नशे से दूर रखने के लिए, बच्चों को जागरूक करने के लिए, उनको जानकारी देने के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण नजर आता है। और राज्य बाल संरक्षण आयोग के स्थापना दिवस के मौके पर जब यह कार्यक्रम आयोजित किया गया तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई छात्रों को इस दौरान सम्मानित भी किया। तो राज्य बाल संरक्षण आयोग का स्थापना दिवस, जिस पर मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए, कई छात्रों को उन्होंने सम्मानित भी किया, छात्रों को पुरस्कृत किया, सम्मानित किया और साथ ही उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये एक पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। दरअसल कोशिश यही थी कि छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रेरित करना ये अपने आप में बड़ा ज़रूरी होता है। और इसलिए कोई भी कार्यक्रम और ख़ास करके अगर बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अगर सिलसिला शुरू किया गया तो इसमें बच्चों की भूमिका अपने आप में खास है। और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उनको सम्मानित करना, उनको बताना कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो बड़ा सही रास्ता है, तो इसीलिए ये पूरा सम्मान कार्यक्रम भी किया गया। वहीं दूसरी तरफ न्यू सर्किट हाउस में कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम में जब शामिल हुए तो बकायदा बच्चों को नशे से बचाने को लेकर के इस बड़े विषय पर चर्चा भी की गई। अलग अलग जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उनके द्वारा भी इस बारे में बताया गया कि कैसे बच्चों को नशे से दूर रखा जा सकता है। आयोग के द्वारा भी ये बताने की कोशिश की गई कि अभी तक का आंकड़ा क्या कहता है, क्योंकि ये आने वाले समय के लिए एक संकेत देता है कि अगर हमने आज से ही शुरुआत की, हमने आज से ही अपनी युवा पीढ़ी को नशे के प्रति जो है जानकारी दी, तो उसके बाद चीजें बदल सकती हैं।
अंकुश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अंकुश, क्या अभी तक इस पर जानकारी मिल रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं और नशे के बारे में जानकारी दी जाती है, बच्चों को जागरूक रहने के लिए कहा जाता है। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण ये समारोह रखा गया था। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग का स्थापना दिवस जो है वो आज है, और इसी कड़ी में आज एक समारोह रखा गया था जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस पूरे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम भी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे, और बाल संरक्षण आयोग जो है इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन करता था। इस पूरे कार्यक्रम में सीधा सीधा मुख्य बिंदु जो है, विषय जो है, वो सिर्फ यह रखा गया था कि बच्चों में जो नशे की लत बढ़ रही है, जो नशे की स्थिति बढ़ रही है, उनसे कैसे बचाव किया जा सकता है, और ये किन चुनौतियाँ जो हैं इस पूरे मामले में क्या क्या सामने आ सकती हैं। व्याख्यान रखे गए थे, कई एक्सपर्ट जो हैं अपनी अपनी यहाँ पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया राय देते नज़र आए, और बच्चों को नशे से कैसे दूर रखा जाता है, इन तमाम विषयों पर विषयवार और बिंदुवार चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस पूरे कार्यक्रम में जब शामिल रहे तो उन्होंने भी अपना संबोधन दिया, और बच्चों को नशे की लत से कैसे दूर किया जा सकता है उसको लेकर उन्होंने अपने बचपन की एक कहानी सुनाई है। दरअसल मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब वो छोटे थे तो उस दौर में बहुत छोटे छोटे से घर हुआ करते थे, और ग्रामीण इलाकों में जो बुजुर्ग हैं वो बीड़ी पीते थे, और बीड़ी पीने के लिए वो जो चूल्हे की आग है उसका इस्तेमाल करते थे। ज़्यादातर माचिस या लाइटर का इस्तेमाल उस समय पर होता नहीं था, लेकिन बुजुर्ग जो हैं वो किचन के अंदर नहीं जा सकते थे जहाँ चूल्हा जलता है, वहाँ महिलाओं के और बहुओं का कायदा होता था, इसलिए ये काम जो है बीड़ी जलाने का जो जिम्मा है वो बच्चों को दिया जाता था, बच्चों को जिम्मा दिया जाता था। तो एक तो सबसे बड़ी पहली दृष्टि में बच्चा उस नशे को अच्छा मानने लगता है जो उसके घर परिवार का एक बड़ा व्यक्ति उसको इस्तेमाल करने की बात करता है। दूसरी चीज़, अगर बच्चे की नज़रों में है कि दादा या घर के बुज़ुर्ग बीड़ी का सेवन कर रहे हैं तो स्वाभाविक ये अच्छी होगी। और रही बात चूल्हे से जलाकर लाने की, तो वहाँ पर भी अगर बीड़ी जलने में टाइम लगता था तो बुजुर्ग ही खुद कहते थे बच्चों से कि इसको खींचो, इसको खींचने से ये जल्दी जल जाएगा। इसकी शुरुआत के द्वारा ये बताने की कोशिश की गई कि नशे के खिलाफ इस अभियान को और ज्यादा मजबूत करना है, बच्चों को इसलिए जानकारी भी दी गई। अंकुश, आप हमारे साथ बने रहिए।